नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के फरे। ये फरे हमने चने की दाल के बनाए हैं। आप उड़द और चने की दाल दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। फरे सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे कई तरह से बनाया जाता है। चावल के आटे की जगह आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी, हरी धनिया की चटनी और घी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने चावल के आटे के फरे बनाए हैं, तो फ्रेंड्स चलिए हमारे साथ किचन में हम बना रहे हैं फरे। 1/2 kg चने की दाल और 1 कप उड़द की दाल को पूरी रात या 5-6 घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर उसे खूब अच्छे से साफ पानी से धोकर रख देंगे कि उसका पानी निकल जाए। आप चाहें तो बिना उड़द की दाल के भी बना सकते हैं। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे। 1/2 चम्मच हम ये हल्दी लिया है, 2.5 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच के लगभग ये सौंफ है, 1 ये बड़ी इलायची, आप देख सकते हैं इसका छिलका निकाल देंगे, सिर्फ बीज डालेंगे, इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। ये गोल काली मिर्च है 1 चम्मच के लगभग, ये साबुत लाल मिर्च है 4। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हम मसाला बनाते हैं तो थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आटे के साथ पड़ के वो नॉर्मल हो जाता है जब हम फरे बनाते हैं। ये हींग है, हींग डालना ज़रूरी है और हींग की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। लहसुन है, लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। ये नमक है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब इन सब मसालों को हम पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमारी पीस गई और जो मसाले थे वो भी हमने पीस लिए। उसमें आप थोड़ी सी दाल डाल देंगे तो आराम से पीस जाता है। अब दाल और मसाला हम मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अंदाज से, स्वादानुसार, जैसा आप खाते हैं। और हल्दी 1/2 चम्मच और हींग, ये देखिए हींग 2 पिंच के लगभग, और इन सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ये 1/2 kg चावल का आटा है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है और इसको अब हम गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। दाल में हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। ये हमने आटा रख लिया है, इसकी हमें अभी टिक्की बनानी है। ये सूखा आटा रख लिया है, अगर ज़रूरत होगी हाथ में चिपकेगा तो हल्का सा लगा लेंगे। और एक ऐसी हमको थाली चाहिए, क्योंकि हम स्टीम वाले फरे बना रहे हैं, भाप वाले, तो लगभग सभी के घर में होती हैं, और नहीं तो जिससे हम आटा छानते हैं उसमें भी हम बना सकते हैं। और एक ही हमने प्लेट लिया है, इसमें हम टिक्की बना के रखेंगे। तो चलिए अब हम टिक्की बनाते हैं। तो पहले हम टिक्की बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी हम 1 बराबर की ऐसे गोलियां बना लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी टिक्की 1 बराबर बनेंगी। और इन टिक्कियों को हमें हाथ से ही बनाना है, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर आटा आपका मुलायम गुंधा हुआ है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए ऐसे इस तरह से टिक्की बना लीजिए, ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली। अब बना के देखिए ऐसे प्लेट में रखते जाइए। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की बनाएंगे। ये भी बन गई, आराम से बन जाती है। जब कुछ टिक्की बन जाएंगी तब उसमें हम ये दाल स्टफ कर देंगे और वो होल वाली जो छन्नी हमने ली है जिसमें हमको पकाना है उसमें हम रखते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो थाली में चिपकने लगेगा। इस तरह से आराम से बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगे हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा। इस तरह से सारी टिक्की हम बनाएंगे। टिक्की बनाने से पहले हम ये एक भगोना लेंगे, इसमें हमने 1/2 भगोना पानी रख दिया है, करीब 1.5 लीटर के लगभग, और इसको हम 1 प्लेट से ढक देंगे। जब तक हम टिक्की बनाएंगे तब तक ये पानी हमारा बॉयल हो जाएगा। आंच को हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए हमने इतनी सारी टिक्की बना ली है, अब इनको हम पहले स्टफ कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के आटे की टिक्की बाद में बनाएंगे। अब हम फरे को स्टफ करेंगे। दाल हमने अपने नज़दीक रख लेना है और ये छन्नी को भी रख लेना है। एक फरे को उठाएंगे और इसमें हम चम्मच की सहायता से दाल को भरना है।
ये देखिए ऐसे दाल रखेंगे, ये हम स्टीम वाले बना रहे हैं तो इसमें दाल बाहर नहीं जाएगी, तो आप कितनी भी दाल भर सकते हैं, ज़्यादा आप भरेंगे तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको करना है, इनको पूरा ढकना नहीं है क्योंकि हम इन्हें पानी में नहीं बना रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरा फरा लेंगे और एक एक चम्मच दाल हम इसमें रखते जाएंगे। ऐसे रखने के बाद देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे हाथ से ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हम सारे फरे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये फरे स्टफ कर लिए हैं, अब इनको हम स्टीम करेंगे। एक लीटर पानी को हमने ढक के रख दिया था, पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब ढक्कन को हटा के इसके ऊपर हम फरे की थाली रखेंगे और उसको हम किसी प्लेट से ढक देंगे। ढककर इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, आँच को हम मीडियम रखेंगे। जब तक मेरे फरे पक रहे हैं तब तक ये बाकी बचे हुए आटे के हम फरे बना लेंगे। अब की बार आपको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। आटे की ऐसे गोल बॉल बनाएंगे और इसके ऊपर हम ऐसे सूखा आटा लगाएंगे और ऐसे बेलन की सहायता से उसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे और उसको हम ऐसे पलट लेंगे जिससे कि वो चिपके नहीं। और आपके पास कोई कटोरी है या गिलास है जिसमें थोड़ा सा ये नुकीली हो, इससे आप आराम से ऐसे काट लें और बाकी बचे आटे को निकाल दें। इस तरह से आप सारी टिक्की बना के रख लें, बहुत आसानी से बन जाती है। इस तरह से हमने सारी टिक्की बना ली है। आप अगर हाथ से नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से बना लीजिए, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से बना लीजिए। और भरना तो उसी तरीके से है जैसे पहले हमने भरे थे, उसी तरीके से इसको भी भरना है। देखिए इस तरह से सारे फरों को हमने भर लिया है। 15 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलेंगे, पहले हम फरे को देखेंगे कि पके कि नहीं, बाकी की टिक्की बाद में बनाएंगे। फरे हमारे पक चुके हैं क्योंकि 15 मिनट में आप मीडियम आँच में पक जाते हैं। फिर भी हम आपके पास कोई नुकीली चीज़ है, नाइफ है या जैसे ये स्पून है, ऐसे करके आप देख लीजिए, ये इसमें अगर दाल चिपक रही है तो समझ लीजिए कि अभी दाल पकी नहीं है। देखें ये देखिए इसमें दाल चिपक नहीं रही है तो फरे हमारे पक गए हैं, नहीं क्या होता है पूरी दाल इसमें लिपट जाती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फरों को बाहर निकाल लेंगे। देखिए फरे कितने अच्छे से पक चुके हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे देसी घी और हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए